नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशलिज्म और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा जिले की एक छोटी सी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बीरेन सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत मुद्दे हैं और उन्होंने ग्राम प्रधान बनने के बाद यहां पर क्या विकास कार्य किए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं बीरेन सिंह अहरवार नथुपुरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। ये प्रधान जी, ये बताइए कि जिस तरीके से राजनीति है, वर्तमान राजनीति चल रही है, तरीका प्रचलन में है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर, कुछ ही हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ा था उस मुद्दे की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत सी समस्या वर्तमान में आ रही हैं। शिक्षा की समस्या भी बहुत भारी है और बिजली पानी लाइट और जो विकास के लिए चुनाव मुझे जिताया है लोग बागों ने, गाँव की जन समस्याओं ने देख के, पर उसको देखा जाए तो बहुत पीछे पड़ा है मेरा गांव। प्रधान जी, जैसे बताया जा रहा है कि लगभग 20 साल के बाद आप लोगों के पास से दोबारा फिर ग्राम प्रधानी आई है, क्या सोच के आप चुनाव लड़े थे और क्या लोगों की जो समस्याएं थी उनको निजात दिला पाने में कहां तक सफल साबित हुए हैं? अभी तो वैसे देखा जाए नज़रिए से जातिवाद मुद्दा ज़्यादा है हमारे गाँव में, और सामाजिक प्रक्रियाओं के हिसाब से देखा जाए वो भी है, और राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो भी आज देखते हैं कि किस जगह किस जाति का है प्रधान है, उसी हिसाब से पदाधिकारीगण देखते हैं। क्या लग रहा है आप, समस्याएं लोगों की जो हैं वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, या शासन आपको कौन परेशान कर रहा है? शासन से दिक्कत आ रही है, प्रशासन से दिक्कत आ रही है? शासन से तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी शासन से हमारी ग्राम पंचायत इतनी छोटी ग्राम पंचायत है कबरी ब्लॉक की कि ना मात्र के बराबर बजट आता है, उससे कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। और जिन मान लो अधिकारीगणों को, विधायक और सांसद विधायक मान लो, इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो टाला फेरी वाला काम होता है। बात की आपने की सांसद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, लगातार बात करते हैं कि देश में विकास की गंगा बह रही है, ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? विकास की गंगा उस धारा तरफ बह रही है सर कि नज़रिया देखा जाए या कोई हाई कास्ट लेवल का प्रधानगण हो या पदाधिकारीगण हो, उस तरफ विकास की धारा बह रही है, और जिस तरफ निच कोटि के व्यक्ति प्रधानगण हो अन्यथा कोई कर्मचारी वर्ग हो, तो उस तरफ कोई विकास की जरिया नहीं बह रही है। ये बहुत बड़ा आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है। एक सवाल आपसे करूंगा मैं कि जैसे तो हर राजनीतिक दल जो है देश में, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं, क्या लगता है पार्टियों में लोकतंत्र जिंदा है? हाँ, पार्टियों में कुछ लोकतंत्र जिंदा है देखा जाए तो। नहीं, जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों की बात की जाए तो सपा और बसपा और फिर कांग्रेस, इन पर भी परिवारवाद के और यहाँ तक कि कहा जाए तो व्यक्ति विशेष के पावर होने के आरोप लगते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं? इससे मान लो कहने का मतलब यह है कि पार्टियों से मैं कोई कांटेक्ट नहीं हूँ, एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज की तरह चलता हूँ, जिस तरफ मेरी समाज चलेगी उसी तरफ मैं चलूँगा। प्रधान जी, एक आगामी 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, कुछ समय शेष है, ऐसे में क्या मुद्दे रहने चाहिए? ज़्यादातर मुद्दे होते हैं कि स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे उठा लिए जाते हैं, धार्मिक मुद्दों को आगे कर दिया जाता है, ज़्यादातर धार्मिक के साथ से भावनात्मक मुद्दे जो होते हैं उनको ऊपर ला दिया जाता है, जातिगत मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, कहाँ तक सही मानते हैं? जातिगत चुनाव तो बहुत सारे मुद्दे हैं देखा जाए तो नज़रिए से सर, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जातिगत मुद्दा यहाँ भी हुआ है। मान लो जो हम लोगों ने, जनता ने मुझे चुना है जिस नज़रिए से, SC सीट थी और उस नज़रिए से देखा जाए तो इधर बहुत प्रक्षोभ आरोप प्रतिरोप लगते हैं आए दिन। देखिए, जिस तरीके से आपकी सीट यहाँ घोषित कर दी गई थी, पहले से घोषित थी, तो वो तो आप ही के समाज का जीतना था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो मुद्दे होते हैं, मूल मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दे कहीं ना कहीं गायब कर दिए जाते हैं, सिर्फ जातिगत, धार्मिक या फिर
राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? कुछ हद तक सही मानता हूँ श्रीमान जी, क्योंकि शिक्षा का तो मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है। मेरा सवाल ये है कि ये मुद्दे जो हैं दरकिनार कर दिए जाते हैं, इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, इसको कैसे सही मानते हैं आप? चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? शिक्षा के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर, गांव की जन समस्याओं के मुद्दों पर, और बिजली पानी, और सबसे मेन प्रॉब्लम है नेटवर्क की प्रॉब्लम, डिजिटल इंडिया, जिस प्रकार मान लो मोदी जी, माननीय मोदी जी कहते हैं, मैं मानता हूं, उनका सम्मान करता हूं उनके व्यक्तिगत भाषणों से, और जो मैन सबसे कोई गांव का कोई समस्या आती है, मुझे कांटेक्ट किया जाता है तो मुझे बाहर निकल के बात करना पड़ती है। आपके गांव में नेटवर्क की समस्या बहुत बड़ी क्या? बहुत बड़ी समस्या नेटवर्क की। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या मुख्यालय से सटा हुआ बिल्कुल गांव है आपका, यहाँ पर क्या लगता है कि नेटवर्क बिल्कुल आते ही नहीं है? नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारी, नेटवर्क प्रॉब्लम है कि कोई भी, चाहे जियो देख लीजिए, चाहे एयरटेल देख लीजिए, चाहे वोडा, मान लो वोडाफोन देख लीजिए, कोई भी नेटवर्क कंफर्म नहीं होता है। हाँ, जिस तरीके से आप यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े और जीते, क्या सोच के आप चुनाव लड़े थे और कितना यहाँ के ग्रामीणों की जो समस्याएं थी उनका निराकरण कर पाए हैं अब तक? अभी तो नज़रिए से देखा जाए श्रीमान जी, तो नाम मात्र के बार कुछ विकास हो पा रहा है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी ग्राम पंचायत है। जिस मुद्दे पे मुझे चुनाव जिताया गया है, जनता ने जिताया है, जिस मुद्दे को देखते हुए, शिक्षा के और गाँव के जन विकासों का, नाली खरंजा, लाइट बिजली, और मान लो ये सारी चीज़ों को उनने मुद्दे रखे थे, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो नाम मात्र का विकास हो पा रहा है। प्रधान जी, इस गांव की सबसे मूल समस्याएं क्या हैं? मेन समस्या नाली खरंजा, आवास, और लाइट बिजली पानी, और नेटवर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क। कहां तक सफल हो पाए इनको आप निस्तारण करने में? अभी तो 1% मानता हूं मैं अपने आप को, 1% सफल हो पाया हूं। क्या लग रहा है कहां अड़चनें आ रही हैं आपको काम करने में, कहां दिक्कतें आ रही हैं? काम करने में अड़चन इसलिए आ रही है क्योंकि सबसे छोटी ग्राम पंचायत होने के बावजूद बजट नहीं आ पा रहा है, इसलिए अड़चन आ रही है। कौन लोग हैं जो बजट आपको नहीं दे पा रहे हैं, कौन अड़ंगा लगा रहा है आपके काम पे, क्या लगता है आपको? अभी सरकार ही समझ सकती है कि कहां से अड़ंगा लग रहा है, इतने बारे मुझे जानकारी नहीं। बुंदेलखंड का महोबा जिला, ज्यादातर यहाँ पे अन्ना पशुओं की समस्याएं रही हैं। अन्ना पशुओं को लेकर आपने कोई काम ऐसा किया हो जो लोगों के लिए नजीर पेश हो सके? गांव के सारे पशु मान लो गौशाला में एकत्रित हैं, जिससे गांव वालों को भी कहा जाए तो गांव वाले अपने पशुओं को नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौशाला बनी है तो अन्ना पशुओं के लिए गौशाला बनी है, मान लो गांव के ही पशुओं के लिए गौशाला, तो पूरे गांव के पशु सब गौशाला में कहते थे। और जिससे समस्या ये आ रही है कि गांव के लोग भूसा वगैरह है वो बेच देते हैं, और कुछ मुझे भी दिया है, ऐसी कुछ नहीं बात नहीं कुछ लोगों ने। क्या अपील करना चाहेंगे अपने गांव के ग्रामीणों से, किस तरीके से अन्ना पशुओं से लोगों को बचाया जाए? आप लोग खेती करते हैं, रात रात भर जागते हैं, इन सब समस्याओं से कैसे निजात दिलाई जा सके? निजात ये है कि सब लोग गांव वालों से ये गुजारिश है, सभी ग्रामवासियों, बुंदेलखंड के जितने भी ग्राम प्रधान महोदय और जन सेवा सुन रहे हैं मेरी बात को, कि अपने जो पशु हैं बड़े सेवा भाव मन भाव से देखा जाए उन पशुओं को, और गांव के जन प्रतिनिधि या प्रधानगण द्वारा सेवा का मौका मिला तो उनका सहयोग किया जाए। प्रधान जी, आईपा हमारा जो संगठन काम कर रहा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छी संगठन, मान लो जो आपका आईपा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं बहुत अच्छी नेत्र भावना से देख रहा हूँ, अच्छा विकास की ओर, मान लो जनता को जागरूक करने की सोच रहा है। धन्यवाद प्रधान जी। तो ये थे नाथूपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बीरेन सिंह, जिन्होंने अपने गाँव की समस्या और क्षेत्र की समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगर आपको हमारी खबरें और चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।